तो सदगुरु कबीर के व्यक्तित्व को हम अपने शब्दों में बांध नहीं सकते, बस इतना है कि अपने अपने स्तर से हम उनके संबंध में कुछ चर्चाएं जरूर कर सकते हैं। एक और बात यह है कि सदगुरु कबीर जैसे संत को अपने याद दिलाने के लिए उनकी जयंती या निर्वाण दिवस का इंतजार कराना नहीं पड़ता कि जयंती आएगी तो कबीर साहब को याद करेंगे, कि निर्वाण दिवस आएगा तो कबीर साहब की याद करेंगे। ऐसे भी लोग इस धरती पर हैं, ऐसे भी महापुरुष हो गए जिनकी याद लोग सिर्फ उनकी जयंती के दिन करते हैं, और ये हम दुर्भाग्य कहेंगे। चाहे जितने शहीद हमारे हुए, आज उनकी याद हम सिर्फ उनके जयंती के दिन करते हैं या फिर 15 अगस्त के दिन करते हैं। भगत सिंह की याद आज रोज कौन करता है? चंद्रशेखर आजाद की याद आज रोज कौन करता है? 15 अगस्त का दिन आता है तो लोग देशभक्ति गीत बजाते हैं और ऐ मेरे वतन के लोगों गुनगुनाते हुए शाम तक अपना पूरा जीवन बिताते हैं, और कर चले हम फिदा जैसे गीत गाते हैं, लेकिन 16 अगस्त होते होते वही फिल्मी धुन और वही भोजपुरी गाने सुनेगा आदमी, फिर वो भगत सिंह को भूल जाता है, फिर वो चंद्रशेखर आजाद को भूल जाता है, फिर वो लक्ष्मीबाई को भूल जाता है, फिर 16 अगस्त और 14 अगस्त के आगे पीछे वही फिल्मी हीरो और हीरोइन याद रहते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर जैसे संत को के साथ ऐसा नहीं है, वो हर पल व्यक्ति को याद आते हैं, वो हर पल व्यक्ति के जीवन में जरूरी हैं, चाहे वो ज्ञान के रूप में हो, ध्यान के रूप में हो, चाहे वो संस्कार के रूप में हो, चाहे वो आदर्शों के रूप में हो, एक एक पग पर एक एक कदम पर सदगुरु कबीर हम सब के बीच में उपयोगी हैं। उनका जीवन मानो एक दर्शन है, चलता फिरता दर्शन, उनका जीवन मानो एक आचरण है, चलता फिरता आचरण, जिसे किसी भी एंगल से हम नकार नहीं सकते। लेकिन जो व्यक्ति सदगुरु कबीर जैसे व्यक्तित्व को नकारता है, वही व्यक्ति धर्म से अधर्म के पथ पर चलता है। और सदगुरु कबीर का सीधा साधा रास्ता है, जीव दया अरु आत्म पूजा, इनसे बढ़कर देव नहीं दूजा। वो जब कहते हैं कि मैं बाहर देवता नहीं मानता, तो उनके ये कहने में बड़ा अर्थ छिपा होता है। कई लोग कहते हैं कि कबीर साहब तो बड़े उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मानंदी लोग हैं, जो तीर्थों को पूजने वाले लोग हैं, जो मंदिर मस्जिद को पूजने वाले लोग हैं, वे कहते हैं कि सदगुरु कबीर को इस तरह से नहीं कहना चाहिए, वो तो भगवान का खंडन करते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर यदि कहते हैं कि मैं आत्म पूजा की बात करता हूं, मैं जीवित भगवान की पूजा की बात करता हूं, तो इसमें बड़ा अर्थ छिपा है। क्योंकि आज जो व्यक्ति भगवानों की उपासना में लगा है, आज जो व्यक्ति मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में जा रहा है, उनका जीवन में कोई बदलाव, उनके जीवन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। आज जो आदमी राम की पूजा करता है, वो आचरण से रावण बना बैठा है। आज जो व्यक्ति कृष्ण की पूजा करता है, वो आचरण से कंस बना बैठा है। आज जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, वो आचरण से दानव बना बैठा है। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं इसीलिए इस पूजा का खंडन करता हूँ, क्योंकि तू बाहर के मंदिर में जाता है, जूते चप्पल उतार देता है, बाहर के मंदिर में जाता है, भगवान को नमस्कार करता है, लेकिन उसी मंदिर से जब घर लौटते हो, और जिस घर में माता पिता रूपी परमेश्वर निवास करते हैं, वहाँ जूता चप्पल पहने रसोई घर से बेडरूम पहुँच जाते हो, इसलिए मैं इस पूजा का विरोध करता हूँ। अगर तुम सच्चे राम भक्त हो, तो मेरा इतना ही कहना है कि माता पिता की वैसी ही आज्ञा का पालन करो, वैसी ही सेवा करो जैसे कभी राम जी ने किया था। यदि आप सच्चे कृष्ण भक्त हो, तो इस समाज में वैसे ही प्रेम की मधुर बंसी बजाओ जैसे श्री कृष्ण ने किया था। और यदि आप माता पिता की सेवा करते हैं, तो आप राम भक्त हैं। यदि आप प्रेम की बंसी बजाते हैं, लोगों में प्रेम का संचार करते हैं, तो आप कृष्ण भक्त हैं। और यदि ये सब नहीं करते, तो सदगुरु कबीर कहते हैं मैं उसका विरोधी हूं और रहूंगा। तो ऐसी पूजा का विरोध सदगुरु कबीर करते हैं। उनका दर्शन ही है आत्म पूजा, कि जैसे अपने समान जितनी आत्माएं हैं, जितने जीव हैं, उनके साथ प्रेम का बर्ताव करो। जो दुख आपको होता है, वो दूसरों को भी होता है। जैसे आप चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रेम का व्यवहार करे, आप दूसरों के साथ वही प्रेम का व्यवहार करना शुरू कर दें। जैसे आप चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति हमसे ईमानदारी का व्यवहार करे, आप भी ईमानदारी का व्यवहार करना शुरू कर दें। जैसे आप चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ मधुर व्यवहार करे, आप भी मधुर बन जाइए। सदगुरु कबीर इस दर्शन में विश्वास करते हैं।
कि बाहर किसी का दिल दुखा करके मंदिर में पूजा कर रहे हो, ये जाली है, ये बिल्कुल दिखावा है। अगर मंदिर में तुम पूजा करते हो तो वही जीवन, वही श्रद्धा, वही प्रेम, वही भक्ति लोगों के बीच भी होना चाहिए। अन्य व्यवहार में कहीं जाओ, अगर आप दुकानदार हैं, कोई ग्राहक है, अगर आप अधिकारी हैं, कोई आपके पास किसी काम को लेकर आया है, तो उस वक्त उस ग्राहक में या उस आगंतुक में आप भगवान का दर्शन करिए, फिर देखिए आपको कितना आनंद आएगा। आप मंदिर में जाके ओम जय जगदीश हरे तो करते हैं, लेकिन मंदिर जाने के बाद जो आप प्रार्थना गाते हैं ओम जय जगदीश हरे, उसके पीछे एक ही शब्द होता है, एक ही मनसा होता है, एक ही लक्ष्य होता है कि ओम जय जगदीश हरे और घर में धनलक्ष्मी बढ़े। इससे ज़्यादा के कामना को लेकर आप भगवान के पास नहीं जाते, आप भगवान के पास इसी कामना से ही जाते हैं कि हमारा घर का धनलक्ष्मी बढ़े, हमारे घर में वैभव आए, चाहे पड़ोसी जाए भाड़ में। इस कामना के साथ आप मंदिर में खड़े होते। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं इसी मनसा का विरोधी हूँ कि आप जिस मनसा से मंदिर में खड़े हो भगवान के सामने, वैसे ही लोगों के सामने खड़े रहो, क्योंकि वही भगवान का दर्शन अन्य लोगों में करना ही सच्ची भक्ति है। तो सदगुरु कबीर का दर्शन सीधा सरल साफ है। जहां एक और कोई कहता है कि एक घंटा राम का नाम लो काम बन जाएगा, जहां अन्य संप्रदाय के लोग कहते हैं कि एक बार हाथ में राम का नाम फेरो, राम 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 करो काम बन जाएगा, या दिन में 24 घंटे में महीना में एक बार गंगा स्नान करो काम बन जाएगा, या कभी ओम नमः शिवाय का जाप करो काम बन जाएगा, वहीं सदगुरु कबीर कहते हैं ये तो सिर्फ दिखावा है, ये तो ढोंग है, इससे काम नहीं बनेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं उठत बैठत कबहू न छूटी ऐसी तारी लागी। सदगुरु कबीर कहते हैं अरे ध्यान और सत्संग और प्रार्थना तो वो है जो उठते बैठते कभी न छूटे, जो हर पल सोते जागते तू ध्यान में रहो, हर पल सोते जागते तुम्हारे जीवन में भक्ति रहे, हर पल चलते फिरते तुम्हारे जीवन में प्रेम रहे, धर्म रहे। अगर एक क्षण भी आप प्रेम से विमुख होंगे, एक क्षण भी आपके जीवन से भक्ति दूर होती है, एक क्षण भी आपके जीवन से धर्म दूर होता है, तो आप गलत करते हैं और आपके द्वारा कोई ना कोई भूल हो जाती है। सदगुरु कबीर ये विश्वास नहीं रखते कि एक घंटे सत्संग करके आपका काम चल गया। सदगुरु कबीर का दर्शन ये नहीं कहता कि चार घंटे साल भर में एक सत्संग कर लिया आपका काम चल गया। सदगुरु कबीर का दर्शन, सदगुरु कबीर का ज्ञान ये कहता है कि 24 घंटे सत्संग में जियो। तो आदमी पूछ सकता है कि खेती खलिहान दुनियादारी परिवार भी है, कौन 24 घंटे सत्संग में रह सकता है? सदगुरु कबीर दूसरे सत्संग की बात करते हैं, पंडाल में बैठा हुआ सत्संग की बात सदगुरु कबीर नहीं कहते। वो ये नहीं कहते कि तुम पंडाल में ही बैठे रहो, वो ये नहीं कहते हैं कि तुम भी कपड़े धारण कर लो, सफेद लाल पीला जो भी हो, वो ये नहीं कहते कि तू संन्यास धारण कर लो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस पंडाल से निकलकर असली सत्संग शुरू होता है, इस मंदिर से निकलकर असली पूजा आरंभ होती है, और वो पूजा है कि आप अगर अपने घर में भोजन बना रहे हो तो ये भावना से भोजन बनाओ कि हम परमात्मा का भोजन बना रहे हैं, फिर देखना वो एक दिन का भोजन बनाना ही आपका छठ पूजा से ज़्यादा कीमती हो जाएगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप अपने घर के शौचालय साफ कर रहे हो, इस भावना से करना कि मैं परमात्मा का मंदिर साफ कर रहा हूँ, फिर शौचालय साफ करना भी पूजा हो जाएगी। क्योंकि रैदास कहते हैं मैं तो जूता सिलता हूँ और पूजा ही करता हूँ। कोई आदमी मंदिर में जाके भी पूजा नहीं कर पाता, रैदास जूता सिल के भी पूजा कर लेते हैं। तो सदगुरु कबीर इसी पूजा, इसी सत्संग की बात करते हैं कि आप बाहर झाड़ू भी लगाओ सड़क में तो इस पवित्र भावना के साथ लगाओ कि आपका झाड़ू लगाना पूजा हो जाए। आप लोगों के साथ इतने मधुर वचन बोलो कि आपका वो मधुर वचन ही प्रार्थना हो जाए, अलग से आपको ओम जय जगदीश करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि कोई आदमी अगर कहता है मैं एक घंटे ध्यान करता हूं, तो प्रश्न हो सकता है कि वो व्यक्ति बाकी के 23 घंटे क्या करता है। कोई कहता है कि मैं एक घंटे सत्संग करता हूं, तो प्रश्न हो सकता है कि वो व्यक्ति बाकी के 23 घंटे क्या करता है। इसका मतलब है कि वो आदमी बाकी के 23 घंटे जरूर अध्ययन में होगा, जरूर वो गलत संगत में होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं 24 घंटे सत्संग में ही जियो, 24 घंटे होश में ही जियो, 24 घंटे होश की कला सदगुरु कबीर सिखाते हैं। और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति 24 घंटे होश में जिएगा, वो व्यक्ति ही सत्संगी हो सकता है, वो व्यक्ति ही धार्मिक हो सकता है, फिर वो गलत नहीं कर सकता। कोई शराब पीता है, सुन रहे थे अभी कि कोई आदमी शराब पी करके टकरा गया, मर गया, तो आप ऐसा मानते हैं कि वो शराब पिया बेहोश हो गया इसलिए मर गया। सदगुरु कबीर का दर्शन ये कहता है कि व्यक्ति शराब पीकर बेहोश नहीं होता, व्यक्ति पहले बेहोश होता है तब शराब पीता है। क्योंकि जो आदमी
होश में जिएगा वो शराब को छू कैसे सकता है? जो आदमी होश में जिएगा वो तंबाकू को छू कैसे सकता है? जो आदमी होश में जिएगा वो मुख में गाली कैसे ला सकता है? जो मुख परमात्मा का मंदिर का द्वार है, जिस मुख में प्रार्थना गुनगुनाना चाहिए, जिस मुख में मीठे मीठे वचन बोलना चाहिए, जो व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा वो इस मुख से गाली का उच्चारण नहीं करेगा, वो इस मुख में गंदगी नहीं डालेगा। तो सदगुरु कबीर का दर्शन सीधा साफ है कि जीव दया अरु आत्म पूजा, इनसे बढ़कर देव नहीं दूजा। कि अगर इस धरती पर कोई देव है तो मनुष्य ही मनुष्य है, गुरुदेव हैं। वेद के ऋषियों ने कहा ना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और शिव पार्वती महादेव दुर्गा भवानी की चर्चा उन्होंने नहीं की। उन्होंने माता को देव कहा, पिता को देव कहा, गुरु को देव कहा। माता जिन्होंने जन्म दिया, पिता जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, और गुरु जिन्होंने जीवन दिया, जिन्होंने उस जन्म को जीवन बना दिया, जिन्होंने उस जीवन को कीमती बना दिया, यही तीन देव हैं। तो इस तरह से हमारे संत कहते हैं, और वही सदगुरु कबीर बिल्कुल साफ कह देते हैं कि जीव दया अर्थात संपूर्ण जगत में जो प्राणी हैं उनके प्रति आपके भीतर दया का भाव हो, और आत्म पूजा, और अपने सरीखे जितने आत्माएं हैं उनकी ही पूजा करो, इनसे बढ़कर कोई दूसरा देव नहीं हो सकता। क्योंकि सदगुरु कबीर इसलिए कहते हैं कि आज हर घर में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। आज हर घर में कहीं भी चले जाओ, राम कृष्ण या दुर्गा या शिव जी का मंदिर मिल ही जाएगा। लेकिन उन्हीं मंदिरों में आज बैठ करके ताश खेले जाते हैं, गांजा पिए जाते हैं, वहीं बैठकर शराब पिए जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, इसीलिए मैं खंडन करता हूं कि ऐसे मंदिर से क्या फायदा जहां आप गलत काम करते हो, ऐसे भगवान का होने से क्या फायदा जिस भगवान के सामने चलते हुए आदमी की जेब कट जाती है, ऐसे भगवान के चौराहे पर खड़े होने से क्या फायदा जिस भगवान के गदा लेकर खड़ा है और वहीं किसी महिला की इज्जत लूट ली जाती है, वहीं किसी का गर्दन काट दिया जाता है और भगवान का कोई अस्त्र शस्त्र हिलता डुलता नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं ऐसे पूजा विरोधी हूं। और जहां मां दुर्गा खड़ी हो और वहां इतने वृद्धाश्रम बन रहे हैं वृद्धों के लिए, माताओं के लिए, एक और आप कहते हैं जगत जननी है, और